नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, कुछ सब्सक्राइबर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हम मैडम आपका उपाय नहीं करते हैं, हमने अभी तक आपका कोई उपाय नहीं किया, लेकिन हमारे काम होते हैं सिर्फ वीडियो देखने से। दोस्तों, ये आपके अंदर का प्रेम है, आस्था है, विश्वास होता है, जिससे काम अपने आप होते। मैं हमेशा बताती हूँ अपनी हर वीडियो में कि आप कभी भी कोई भी उपाय करते हैं तो उसको मन से करें, विश्वास से करें, आस्था से करें, तो आपके काम जरूर होंगे। किसी भी क्रिया को यदि आप इन चीजों के बिना करेंगे तो वो निरस हो जाती है, वो चीज करंट नहीं हो पाती, इसलिए काम नहीं होते हैं। तो आपके काम इसीलिए होते हैं, कोई व्यक्ति कोई भगवान नहीं होता, लेकिन आपके अंदर कहीं न कहीं प्रेम होता है। आपको उपाय करने नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर कोई उष्मा, कोई प्रेम, कोई अपनापन है जो आपको खींच कर रखता है। आपके पास समय ना हो या आपको आलस आ रही है, आप उपाय नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिस लगन से आप सुनते हैं, आप देखना, आप कोई भजन है, कथा है, उसे सिर्फ सुनने मात्र से भी फल मिलता है। तो कई उपायों को जब आप सुनते हैं तो उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जैसे कोई नंबर से जब आप उसको दो बार सुन रहे हैं और आपके अंदर वो करंट है चीज, तो वो सुनने से भी जब आप सुन रहे हैं अंदर आपका मन उस चीज को रिपीट करता है, उससे भी काम होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ एक ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो उपाय नहीं करते हैं लेकिन काम होता है। तो आपका काम होना ही होगा, दैट इज वाई होता है, पर फिर भी अच्छा लगता है। चलिए, होना चाहिए काम, चाहे कैसे भी हो, सफलता मिलनी चाहिए, लाइफ में खुशियां आनी चाहिए, तमाम इच्छाएं जरूर पूरी होनी चाहिए। वो इच्छाएं जिन इच्छाओं की पूर्ति करने में आप किसी को दुख ना दे रहे हो, किसी का कुछ आप छीन ना रहे हो, बिना किसी को तकलीफ दिए यदि आप सुख भोग रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। ये उपाय दोस्तों जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं, ये आपको सोमवार के दिन करना है। यदि आप इसको हर सोमवार करेंगे या गिन करके पांच सोमवार कर ले, पैसे आपके पास बहाने मार मार कर आना शुरू हो जाएंगे। जानकारी यदि आपको अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को दोस्तों जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, अच्छी जानकारियों को आप शेयर करेंगे, किसी का अच्छा होगा, किसी का भला होगा, तो आपका भला अपने आप हो जाएगा। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि दूध, दही, घी, ये तमाम चीजों को रत्न कहा गया है। जो 14 रत्न है उनमें से एक रत्न है ये रत्न। आपके घर में होना सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। मैं अपनी तमाम वीडियो में चीज बता चुकी हूँ कि घर में हमेशा दूध रखें, दही रखें। जिनके घर में ये चीज हमेशा रहती है, कभी वो ये सोचेंगे कि हमारे घर में तो रोज रहती, पर हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो गरीब हैं। हमेशा दिन एक जैसे नहीं रहते, आपके कर्म अच्छे हैं, पॉजिटिव चीजें आपके पास है, तो पॉजिटिव शक्तियां अपने आप ही आपके पास आ जाएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपके पास कितने भी पैसे हो, आप गलत आचरण करने लग जाएं, निर्दोष लोगों को आप दुख देने लग जाएं, आपकी वजह से किसी की आंखों से आंसू बहने लग जाए, आपकी वजह से कोई परेशान रहने लग जाए, किसी की भी हाय बद्दुआ यदि आपको लग गई, बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही आपके पुण्य का जो घड़ा है वो खत्म हुआ, जबरदस्त रूप से बर्बाद होंगे। पैसे कितने ही आपके पास है, आप दोपहर को सो करके उठ रहे हैं, जो महिलाएं हैं दोपहर को सो करके उठते हैं, घर में स्वच्छता नहीं है, स्नान करने में आलस आ रहा है, रोज खाना होटल से ही आ रहा है, घर के अंदर चूल्हा जलता ही नहीं है, सुबह शाम दिया बत्ती के समय घर में दिया बत्ती नहीं हो रही, अब शब्द बोले जा रहे हैं, ये तमाम चीजें
अधोगति की निशानी है। आज ऐसा व्यक्ति आपको, आपने शायद कितने ही देखे होंगे, ओहो उनके पास तो बहुत पैसा है, वो लोग तो वर्षों से ऐसे जीते हैं, कभी किसी जन्म कोई अच्छा कर्म कर लिया है, कभी किसी जन्म कोई अच्छा मंत्र जगा लिया है, उसका फल वो भोग रहे हैं। जैसे ही पुण्य कर्म खत्म होंगे, बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे इंसान आबाद होने में तो भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन बर्बाद होने में तो बिल्कुल भी समय नहीं लगता। आपने कई लोगों को देखा होगा दोस्तों, जो राजा जैसी जिंदगी जी रहे थे, जो करोड़ों लोगों पर राज कर रहे थे, जिन्हें लोग बड़े बड़े साधु संत बोलते थे, जिनकी पूजा करते थे, उनकी छोटी सी गलती ने उनको कहां से उठाया, कहां फेंक दिया। जब उन लोगों ने कोई भी गलत काम किए होंगे, तो ऐसे लोगों को कहीं सपने में नहीं सोचा होगा कि एक छोटा सा व्यक्ति उनको इतने बड़ा उनका साम्राज्य हिला देगा। करोड़ों लोग मुझे सलाम मारते हैं, मेरी पूजा करते हैं, ये एक दो व्यक्ति मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, जिनकी अपनी कोई औकात नहीं है, ऐसा व्यक्ति मेरा क्या कर लेगा। लेकिन ऐसा ही व्यक्ति उनको बर्बाद करके चला गया, है ना। रावण बहुत घमंड से बोलता था, ये वनवासी ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जब भगवान राम ने उनका सामना किया, भगवान राम के साथ तो 100 लोग भी नहीं थे, बंदर थे, भालू थे, उनको लेकर के गए थे, और रावण का साम्राज्य ही खत्म कर दिया। तो अपने कर्मों पर हमेशा विश्वास रखें, आप सही हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे। आज गरीबी है तो क्या, कल अमीरी आएगी, है। आज हार रहे हैं तो क्या, कल जीत जाएंगे। बी पॉजिटिव, अच्छे बने रहो, अच्छे कर्म करते रहो, खुद पर विश्वास रखो, अपने इष्ट देव पर पूरा विश्वास रखो, जिसकी आप पूजा करते हो, जिसकी आप पूजा करते हो, या तो पूजा करो मत, और अगर करते हो तो पूरा विश्वास रखो, वो एक दिन उठता है और आपका काम करता है। तो हमेशा जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाती हूं, तो कई बार मैं जब कमेंट देखती हूं नीचे नेगेटिव, तो मुझे बहुत दुख होता है कि किया करा सब पानी हो गया। दुख आदमी को हिला देता है, जैसे सुख आदमी को एक बहुत अत्याचारी इंसान बना देता है। नहीं को अस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई ताही मदना ही। रामायण में कहा गया है कि ऐसा कोई जन्मा नहीं है इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर, कि प्रभुता पाकर बड़ा होकर के उसके अंदर मद ना आ गया हो, अहंकार ना आ गया हो। और मैंने तो बहुत ऐसे नजरों नजर देखे हैं दोस्तों, नजरों नजर मैंने ऐसे लोग देखे जो लोग 60 रुपए के भाड़े के मकान में रहते थे, लेकिन कुछ समय के बाद उनके पास कुछ पैसा आया और उसके बाद वो इंसानियत ही भूल गए। आप उन इंसानों को देखें और आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान है, ये तो पशु है। ऐसी भावना आपके अंदर अपने आप आ जाएगी, वो इस हद तक गिर जाते हैं। तो प्रभुता पाही चाहे मद नाही, ऐसा कोई इंसान नहीं है पृथ्वी पर जिसको प्रभुता मिल जाए और उसमें मद ना आए। प्रभुता पाकर के भी मद ना आए, वही इंसान इंसान है। ये कंडीशन कुदरत इसलिए देती है कि अब आप लोगों का भला करो, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, लोग ऐसा नहीं करते, लोग कुछ और करने लग जाते हैं और वहीं से उनकी पड़ती शुरू होती है, है ना। तो दोस्तों ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूं, इस उपाय को आप करें, मन से करें। यदि आज आपके पास पैसे नहीं भी है, आप इस उपाय को मन से करें, लक्ष्मी आपके घर का पता पूछते हुए आएगी। हर सोमवार थोड़ा सा कच्चा दूध लें। वैसे दोस्तों हर सोमवार भगवान शिव को कच्चा दूध आप अर्पित करें, थोड़ी सी मिश्री मिलाकर, इससे भी बहुत अच्छा होता है। शुक्रवार के दिन कच्चा दूध माता लक्ष्मी को अर्पित करें, इससे भी आपके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। और दोस्तों सोमवार के दिन सुबह से रात तक में कभी भी आप इस उपाय को करें, जितना दूध आप पीते हो, एक ग्लास पीते हो, उससे ज्यादा पीते हो, जिन लोगों को दूध अच्छा ना लगता हो थोड़ा सा ले लें, जैसे आप दवाई ले रहे हैं थोड़ा सा दूध ले लें, ठीक है। दूध में अपनी अनामिका उंगली को डुबो दें और उसके बाद में
21 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। मंत्र ध्यान से सुने, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमाशे नमः, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमाशे नमः। दोस्तों, सोमवार के दिन यदि चंद्रमा के इस मंत्र को, जो श्रीम बीज मंत्र, माता लक्ष्मी के श्रीम बीज मंत्र से बनाया गया मंत्र है, इस मंत्र को आप बोलते हो, 11 बार भी बोल सकते हैं, वैसे आप 21 बार बोलें और उसके बाद उस उंगली को आप दूध से निकालें और उस दूध को पी जाएं। जब आप इस क्रिया को करते हैं, अपना मुंह उत्तर दिशा की तरफ रखें। दोस्तों, मैं आपको बार बार एक बात बोल रही हूं कि लक्ष्मी आपके घर का पता पूछते हुए आएगी। अगर आज दिन अच्छे नहीं है, परेशान मत हो, कल अच्छे हो जाएंगे, होंगे जरूर। उपायों को मन से करें, विश्वास से करें, पूरी आस्था से करें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।